Assalamu alaikum for class. I hope you all are good. Okay, today we are going to start our lesson 5, the investor's disguise. Investor's safir ko kehte hain disguise, bhej batla hua safir. Investor, an official of the highest rank sent by one country to another as a representative. Yani ke jo ek mulk hota hai, wo dusre ki taraf apna numainda bhejta hai. Yani ke safir. बूस्ट टू प्रेज और स्पीक हाईली अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में तारीफ करना या बढ़ा चढ़ा के बताना. क्लब अ हैवी थी स्टिक विद अ थिक एंड, एक भारी छड़ी जो के आखिर से क्या हो, मोटी हो. यूज्ड एज अ वेपन, जिसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. लांस अ लॉन्ग वुडन वेपन विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन, ये घुड़सवार जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसे नेजा बोलते हैं. ट्रिब्यूट अ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू अनदर, यानी कि एक हुक्मरान का दूसरे को खराज तहसीन पेश करना. लेट्स स्टार्ट विद इट्स ट्रांसलेशन. रीडिंग हम इसकी करते हैं और मैं ट्रांसलेशन करके बताती हूँ. वंस इन द पैलेस ऑफ व्लादिमीर, एक दफ़ा व्लादिमीर के महल में, अ ग्रेट रशियन प्रिंस ऑफ कीव, एक अजीम रशिया का शहजादा कीव था. ऑल द नॉबल्स वर मेकिंग बूस्ट, और बहुत से उम्रा अपनी अपनी शौकियाँ मार रहे थे. वन नॉबल बूस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक उम्रा में से एक जो था अपनी ताकत के बारे में बता रहा था. अनदर शोर्ड ऑफ हिज विजडम, दूसरा अपनी अकल के बारे में शौकी मार रहा था. अदर्स बूस्ट ऑफ देयर वेल्थ, दूसरे अपनी दौलत के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताए थे. और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, अपने ईमानदार घोड़ों के बारे में. वन नोबल, एक शरीफ आदमी स्टावर गोडिनोविच सेड नथिंग एट ऑल, एक शरीफ आदमी जो स्टावर गोडिनोविच था उसने कुछ भी नहीं कहा. ही सेड विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, वो अपने चेहरे पर ख्वाबाई शक्ल लेके बैठा हुआ था. प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड दिस एंड आस्क्ड, प्लीज प्रिंस व्लादिमीर ने ये देखा तो उसे पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट, तुम क्यों चुप हो. स्टावर हैव यू नथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है. ग्रेट प्रिंस रिप्लाइड स्टावर, अजीम शहजादे स्टावर ने कहा, स्टावर ने जवाब दिया, आई हैव नथिंग टू बूस्ट ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ कैथरीना, मेरे पास अपनी बीवी कैथरीना के अलावा शोकी मारने के लिए या बताने के लिए तारीफ करने के लिए कुछ नहीं है. शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल, वो नौजवान और खूबसूरत है, ब्रेवर बहादुर है, एंड मोर स्किलफुल, और बहुत ज़्यादा माहिर है दैन एनी वॉरियर हेयर, किसी भी इधर मौजूद किसी भी जंगजू से ज़्यादा महारत रखती है. शी कैन शूट विद अ बो, वो अपनी गुलेल से शूट कर सकती है या मार सकती है. सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, बुलबुल की तरह गा सकती है. एंड इनचेंट एवरीवन विद हर हार्प, हार्प कहते हैं मूसीकर का एक आला होता है, कि अपने उससे अपने मूसीकर का जो उसका आला है उससे सबका दिल लुभा सकती है. एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि चेस में उसे हरा सके. इज दैट सो, क्या ऐसा है, इंटरप्टेड द प्रिंस ने मुदाखलत की. येस हाँ इंडीड, बेशक ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, रिप्लाइड स्टावर ने जवाब दिया. शी कुड ईजीली डिफीट ऑल योर नॉबल्स, वो आपके उम्रा को आसानी से हरा सकती है. एंड और पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और ये मुझे कहने के लिए माफ़ कीजिएगा ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर एदर, आप भी उसके मुकाबले के नहीं हैं. द प्रिंस बिकम वेरी एंग्री, जो शहजादा था वो बहुत नाराज़ हो गया. व्हेन ही हर्ड दिस, जब उसने सुना, ही क्लियर्ड एट स्टेवर एंड सेड, उसने स्टेवर को घूरा और कहा, यू हैव गॉन टू फार फॉर दिस टाइम, तुम इस बार बहुत दूर तक चले गए. हाउ डेयर यू से दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, तुमने ये कहने की कैसे हिम्मत हुई कि मैं तुम्हारे बीवी के मुकाबले का नहीं हूँ. द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टेवर, शहजादे ने स्टेवर की तरफ उंगली से इशारा किया. एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, और अपने गार्ड्स में से एक की तरफ मुड़ा, सेड कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को दूर ले जाओ. थ्रो हिम इनटू द डंजन, का मतलब है कैद खाने में डाल दो. गिव हिम ऑट्स एंड वाटर, इसे सिर्फ ऑट और पानी दो, नथिंग मोर, इससे ज़्यादा नहीं, नाउ गो, अब जाओ. द गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, गार्ड ने वैसा ही किया जैसे उसे हुक्म दिया गया था. ही थ्रू स्टावर इनटू अ कोल्ड डार्क डंजन, उसने स्टेवर को एक ठंडे अंधेरे वाले कैदखाने में डाल दिया. द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विद थिक आयरन बार्स हाई अप नियर द सीलिंग, जो वाहिद रोशनी वहाँ से आ रही थी वो एक छोटी खिड़की से आ रही थी जो कि बहुत ऊंचाई पे थी और थिक मोटी लोहे की
सलाखें लगी हुई थी वहाँ। ऑल स्टीवर कुछ सी वॉज दिस का जो स्टावर देख सकता था वो सिर्फ आसमान था। ही सेट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड, वो ठंडे पथरीले फर्श पे उदास बैठ गया। एज नाइट फेल जैसे ही रात हुई, स्टेवर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द स्टार्स इन द स्काई। स्टेवर ने खिड़की से आसमान पे सितारों की तरफ देखा। अलास अफसोस, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेज मी, मैंने शहजादे की 9 साल खिदमत की और ये उसने मुझे इसका फल दिया है। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई हर्ट द प्रिंस, मैंने शहजादे को तकलीफ दी। बट आई ओनली स्पॉक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने अपनी बीवी के बारे में सिर्फ सच बयान किया। आई होप समवन टेल्स कैटरीना वेयर आई एम, काश के कोई कैटरीना को ये बता दे कि मैं कहाँ हूँ। कैटरीना हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हर हस्बैंड, कैटरीना ने सुना कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ है। शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे बट द कार्स वुड नॉट लेट हर इन, उसने उसी दिन उसको मिलने के लिए जाना चाहा लेकिन गार्ड्स ने उन्हें उसे अंदर नहीं जाने दिया। सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, तो उसने उसे बचाने के लिए एक मंसूबा बनाया। कैटरीना कॉल टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, 30 चेस मास्टर एंड 30 म्यूजिशियंस। कैटरीना ने अपने 30 तीरंदाजों, अपने साथियों में से 30 तीरंदाजों, 30 चेस मास्टर्स, 30 मौसीकारों को इकट्ठा किया। शी टोल्ड देम शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड एंड दे अग्रीड टू हेल्प हर, उसने उन्हें बताया कि उसे उनकी मदद चाहिए अपने शोहर को बचाने के लिए और उन्होंने उसकी बात मान ली। द नेक्स्ट डे कैटरीना गॉट रेडी, अगले दिन कैटरीना रेडी होगी। शी फोर आर सूट ऑफ आर्मर, उसने जंगजू वाला लबास पहना विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, अपने चेहरे को छुपाने के लिए हेलमेट पहना। शी कैरीड अ बो, उसने गुलेल पकड़ी एंड सम एरोज और कुछ तीर, अ क्लब ऑफ स्टील और एक लोहे का डंडा पकड़ा, एंड अ लॉन्ग लेंस और एक लंबा नेजा। पर्स्ट ऑन हर लेफ्ट फॉरआर्म वाज अ फाल्कन, और उसके बाएं कंधे के ऊपर क्या था, एक फाल्कन बाज था। पर्स्ट, उसने वहाँ पे एक परिंदे बैठाने वाला छतरी सी बैठाई थी, उसके ऊपर बाज बैठा था। ही माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, वो एक लंबे काले घोड़े पर सवार होगी। व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव, जब उसके दोस्त आ गए, शी सेट ऑफ फॉर द पैलेस लीडिंग द, वो उनको लेके उसने उनके रहनुमाई करते हुए महल की तरफ चल पड़ी। अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिटी कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स टू वेट, एक छोटे फासले के शहर की दीवारों से छोटे फासले पर कैटरीना ने अपने साथियों को रुकने का या इंतज़ार करने का कहा। शी रोड बाय हरसेल्फ इन टू द सिटी, वो खुद अपने आप शहर की तरफ गई एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के एक बड़े हॉल की तरफ चल पड़ी। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, सब लोगों ने सोचा कि वो कोई एक अजीम जंगजू है। ऑफ कोर्स यकीनन नो वन गेस्ट शी वॉज अ वुमन, किसी को ये अंदाज़ा ना हुआ कि वो एक औरत है। कैटरीना बॉट टू प्रिंस व्लादिमीर, कैटरीना शहजादे व्लादिमीर की तरफ झुकी। ये हमारी रीडिंग आज की यहाँ तक हो गई, नेक्स्ट हम कल करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।